बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से टेस्टी वाला कुछ डिफरेंट टाइप का नाश्ता। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक आलू, जिसको हमने अच्छी तरह से पील कर लिया है और इसको हम अच्छी तरह से अब ग्रेट कर लेंगे। इसको हम पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे। देखिए, एक बड़ा सा आलू लिया है हमने, एक आलू से हम ढेर सारा नाश्ता बनाएंगे। इसके अंदर और क्या क्या ऐड करेंगे आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले हम इस आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लें। पानी में रख के ही ग्रेट करना है ताकि इसका स्टार्च जो है अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए, अब हमारा आलू ग्रेट करके हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा भी स्टार्च ना रहे। ये देखिए, अब हमारा आलू अच्छी तरह से वॉश करके हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक से थोड़ा कम रवा, एक वाटी से, और एक वाटी से थोड़ा सा कम बेसन का आटा। अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और एक टेबलस्पून ज़ीरा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून धनिया पाउडर और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून हल्दी और इसके साथ साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही साथ उसके ग्रीन चिली, जिसको हमने अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे और एक टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमने अच्छी तरह से हाथों की मदद से क्रश कर लिया ताकि हमारे नाश्ते में अच्छा स्वाद आए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या तो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, अब हमारा मिक्स करके हो चुका है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून राई डाली है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने तिल डाली है। अब ये थोड़े गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने घोल तैयार किया था, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हमको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। और इसको हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से चलाते हुए एक 10 से 15 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, इस तरह से हमको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसके अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह से सोख के इसको ऐसे शेप में पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह आटे की शेप में ना आए। जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ा स्मूथ आकर एक प्लेट को ऑयल लगा लेंगे और इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसको हम सेट करेंगे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से। इसको हम फैलाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे साइड। ये देखिए, अब हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हम कट करेंगे। आपको जो शेप चाहिए वो शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे।
अब हम क्या, कढ़ाई में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। देखिए अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम हमारे नाश्ते को एक एक करके अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। अगर हमारा नाश्ता आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।